ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैड लवर्स 111 भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आज, लव रीडिंग कर रही हूँ आप सभी के लिए। ओके, अगर आप जानना चाहते हो कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन क्या आपको छुप छुप के याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो जानना है आपको तो मैं तैयार हूँ गाइस। मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं, तो क्या हालत हो गई है उनकी, देख लेते हैं। ओके, अच्छी हालत हुई है या हालत बद से बदतर हो रही है आपके बिना, है ना। तो कैसा सिचुएशन चल रहा है, तो इसी की जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। आप भी दूर हो, मैं भी दूर हूँ आप सबसे, आपके पोषण भी दूर है, हो सकता है ना। तो चलिए आपको बता ही देते हैं, कम से कम मैं इतना कोशिश तो कर सकती हूँ गाइस। कि आपके पोषण कैसा फील कर रहे हैं अभी, आपसे दूर होकर कितना मिस कर रहे हैं। साथ ही मैसेज भी निकालेंगे, ठीक है, आपके पोषण की तरफ से। गाइस, मैंने कल ये कार्ड के शफलिंग निकालते हैं कुछ कार्ड्स और सेवन ऑफ वैंड्स आया है पहला। वाओ, देख लीजिए गाइस। कौन आ गया रीडिंग में, हाँ ये कौन है गाइस, आपको पता है क्या ये कौन है, क्वीन ऑफ कप्स कौन है गाइस, बताइए बताइए। आपके पर्सन की रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स क्या कर रही है वाला, और ये क्या हो गया, सब जानते हो आप लोग, बहुत स्मार्ट हो ना, सब पता है। फोर ऑफ वैंड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, और आया है रूठे रूठे पिया मनाए कैसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हरमेट, वाओ, अगेन वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आज का हमारा सवाल था कि क्या वो आपको मिस करते हैं, और वो यहीं पर हमें मिल गया क्वीन ऑफ कप्स, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में हमें क्या मिला है गाइस, देख लीजिए, देख लीजिए क्या मिला है, हेरोफेंट, वाओ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं। चलिए आपको साइन और एलिमेंट बता देते हैं, ओके, कि यहाँ पर कौन से साइन सबसे ज्यादा आए हैं। मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में वर्गो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है गाइस, और साथ साथ टॉरस भी स्ट्रांग है इस रीडिंग में। इसके अलावा मुझे नजर आ रही है सभी साइन मौजूद है यहाँ पर, ओके। पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर राशि यानी कि अर्थ साइन, ओके, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि, और अर्थ साइन भी नजर आई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है गाइस। और वर्गो और टॉरस इस रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन क्या आपको मिस कर रहे हैं, आज का हमारा सवाल ये था, है ना। तो मिस करने का जो सवाल है उस पे ही निकल कर आ गई है आपकी एनर्जी, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। और जब आप ही इस रीडिंग में धमक गए हो तो सवाल ही नहीं बनता कि ये इंसान आपको मिस नहीं कर रहे। ये इंसान तो कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में डूबा हुआ है, आपके प्यार में डूबा हुआ है, आपके प्यार को इतनी बुरी तरीके से ये इंसान मिस कर रहे हैं ना, कि इसका कोई आई डोंट हैव एनी वर्ड, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि प्यार की एनर्जी होती है, आप जानते हो क्वीन ऑफ कप्स यानी कि कप्स की एनर्जी जब भी आती है ये प्यार को दिखाती है, और साथ में कप्स के साथ में आप आ गए हो, है ना, इनके फीलिंग्स में, इनके थिंकिंग में, तो आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। इन्हें कोई यहाँ पर खूबसूरती का लालच नहीं है, आपके शरीर के किसी अंग के बारे में नहीं सोच रहे, आपके खूबसूरत आंखों के बारे में नहीं सोच रहे, है ना, आपकी मीठी मीठी बातों के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ
आपने जो इन्हें सच्चा प्यार किया है ना, उस प्यार को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, यानी कि आपको मिस कर रहे हैं और आपके दिए हुए प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान आज की डेट में अगर मैं देखूं तो मुझे हर्मिट के मोड में नज़र आ गए हैं। और आप देख लीजिए, हर्मिट के मोड में इंसान कब जाता है, कब जाता है, जब वो निराश हो जाता है, जब उन्हें लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, ख़राब हो गई, अब मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, बहुत ज़्यादा दर्द है, अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेलेपन का कार्ड होता है हर्मिट का कार्ड गाइस, समझ गए ना, कि कोई इंसान है जिसे ग्रुप में रहना पसंद नहीं, कोई इंसान है जिसे दुनिया में क्या चल रहा है उसका जो है ज़्यादा मतलब नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दूसरे चीज़ों में टाइम पास करना, तो इन सब चीज़ों से ये इंसान कतरा रहे हैं अभी, यानी कि इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है इन सब चीजों से। वो इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि इस इंसान को आपके प्यार की कदर यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आई है, और ये इंसान जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इंसान आध्यात्मिक कब होता है, कब, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं है बचा जिंदगी में, सब कुछ कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं यानी कि ईश्वर का सहारा लेते हैं। हम इंसान की एक फितरत होती है, जब हम खुश होते हैं तो हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को याद नहीं करते, है ना, पर जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता है, टूट पड़ता है, तब जाकर हमें ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की याद आती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके पोषण की ज़िंदगी में, कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले की तरफ कनेक्टेड यहाँ पर हो रहे हैं, उनसे ही मदद मांगी जा रही है, पर उम्मीद की किरण अभी भी इस इंसान के दिल और दिमाग में मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है ना, तभी जाकर वो अकेलेपन को, अकेला रहना पसंद करता है ना, समझ गए ना। आप खुद प्यार के शिकार हुए हो, आपने खुद सच्चा प्यार किया है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, है ना, कि कोई ज़्यादा आकर बातचीत करे तो पसंद नहीं आता, अकेला रहना अच्छा लगता है, ख्यालों में डूब जाना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन मुझे आपके पोषण का यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, पर फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है गाइस, फिलहाल यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है आपके पोषण की ज़िंदगी में, जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको मिस तो बहुत बुरी तरीके से कर रहे, पर समस्याओं से भी घिरे हुए आपके पोषण है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ना ट्विन फ्लेम की जर्नी में नजर आ रहे, हो सकता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो उनका और आपका सफर बहुत मुश्किल है, यानी कि आप दोनों का शरीर जो है वो दो इंसानों का है, पर आप दोनों की आत्मा एक है, और ऐसे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ट्विन फ्लेम का सफर नजर आता है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहे कि शादी में बंध गए हैं या शादी होने वाली है, क्योंकि अरेंज मैरिज का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्हें अरेंज मैरिज की तरफ धकेला जा रहा है या परेशान हो गए हैं, तो इनके मर्जी के खिलाफ ही इन्हें जो है कहीं और ऐसे रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर आप ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिनकी कहीं शादी हो चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कुछ ना कुछ चांसेस यहाँ पर हो सकता है। तो आप देख लेना कि आपके रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम क्या है ना। तो गाइज, समस्याओं में घिरा हुआ इंसान ही भगवान के शरणों में जाता है, ईश्वर के शरणों में जाता है, तो ये इंसान मुझे ऐसा ही कोई मजबूर इंसान नजर आ रहा है। अभी ये इंसान बिल्कुल आपको बिल्कुल भी आप पर ऐसा दिखा रहे हैं, देखिए सेवन का यहाँ पर कार्ड आया है, सेवन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर किंग ऑफ पैंटिकल्स आया है, जो दिखा रहा है ना कि इस इंसान ने बहुत सारी अड़चने खुद खड़ी कर दी है आपके और इनके दरमियान में, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इन्हें लगता है कि प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं होगी, मेरे हाथों में नहीं है कुछ भी, सिचुएशन बहुत मुश्किल हो चुकी है, तो ऐसा निराशाजनक इस इंसान का जो एक व्यक्तित्व मुझे नजर आ रहा है, जिसके वजह से इस इंसान ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया है। देखिए, सेवन ऑफ वैंड्स हमेशा इग्नोरेंस को दिखाता है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना, आपके अस्तित्व को इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल्स को इग्नोर करेंगे, मैसेजेस को इग्नोर करेंगे, ब्लॉक करेंगे, यानी कि आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंसान खुद खुद जो है कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, इतना स्लो इस इंसान का एनर्जी यहाँ पर हो गया है ना, बिल्कुल रूखा बिहेवियर करना, आपकी भावनाओं को नहीं समझना, आपको आपके आंसुओं को देखकर अनदेखा कर देना, चले गए लाइफ से निकल कर पर पीछे मुड़कर आपको एक बार भी नहीं देखना, तो ये सब हरकतें आपके पोषण सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके पोषण अभी है हर्मिट के मोड में, यानी कि कछुए की चाल, स्लो एनर्जी, अपने आप में खो जाना, है ना, दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी नहीं, इस इंसान को मुझे लगता है कि किसी और की भी नहीं पड़ी,
है ना, इस तरीके से निराशाजनक स्थिति में मुझे नजर आ रहे हो। ओके, और आपको जितना याद कर रहे हैं उतना ही इस रुके हुए रिश्ते को भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यानी कि सेवन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था वो थम गया, वो रुक गया, और आपके पोषण अब भी जो है, देखिए यहाँ पर जो ये रोशनी जल रही है ना, ये रोशनी है ये उम्मीद की, एक दिन तो आएगा जब ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी इनका इंतजार नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर भी इनका इंतजार नजर आ रहा है, पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट में आपके पोषण है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे, है ना। उम्मीद तो है कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना, पर अभी भी या तो खुद पर भरोसा नहीं है या फिर ऊपर वाले पर इस इंसान को भरोसा नहीं हो रहा है, तो कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर नजर आई है इनके फीलिंग्स में गाइस। ठीक है, अब ये और क्या चाहते हैं, देखिए हमें यहाँ पर बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक्शंस मिले हैं। नाइट ऑफ कप्स हमें यहाँ पर मिला है, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें मिला है ना। तो ये दोनों कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं गाइस कि आप दोनों का जो सफ़र है, प्यार का सफ़र कह लीजिए, रिश्ते का सफ़र कह लीजिए, शादी तक का सफ़र कह लीजिए, जो भी आप दोनों का सफ़र यहाँ पर रुक गया है, थम गया है, स्टॉप हो गया है ना, ये जो है फिर से इनमें जो है पहिए लगेंगे और ये जो रिश्ता है फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से आगे घूमेगा। यही तो होता है जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है, यानी कि पहिया आपको मिला है ना। किसका पहिया मिला है, किस्मत का पहिया मिला है। और जब जब पहिया आता है तो पहिया का काम क्या होता है, रुकना नहीं होता, वो है आगे बढ़ना। यानी कि ये रीडिंग ये दिखा रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दूरी आई है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, जो भी दूरी आई है ना गाइज, वो दूरी खत्म डेफिनेटली होगी, और आपके पोषण इसी तरीके से इस चक्र के साथ घूमकर आपके लाइफ में वापस आ ही जाएंगे, और शायद आपके पोषण को भी इसी वक्त का इंतजार है। अब बॉटम में आप इनकी फीलिंग्स देख लीजिए क्या निकल कर आई है ना। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो तो डायरेक्ट लव मैरिज को दिखाता है। आप देख लीजिए ना इनकी समस्याओं में क्या निकला है, इनकी समस्याओं में निकला है कि कहीं और शादी के लिए प्रेशर, इंगेजमेंट के लिए प्रेशर, परिवार का प्रेशर, यानी कि पूरी फैमिली ओरिएंटेड रीडिंग है ये, है ना। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ये निकल कर आया है, पर इनकी जो दिमाग को, दिल को जो कब्जा करके बैठा है ना, वो क्या बैठा है, लव मैरिज। लव मैरिज किसके साथ करनी है, उसके साथ करनी है जिससे इस इंसान ने प्यार किया है, और वो कौन है, वो हो आप, समझ गए। तो ये कार्ड जो है रूल कर रहा है ओवरऑल। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, पता नहीं हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, पता नहीं रिश्ता रुक चुका है, समस्याएं बहुत है, पता नहीं सबके साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, ये सब रही इनके दिल की अंदर की बातें। पर रूल कौन कर रहा है, ये एनर्जी है ना, कि ये इनके दिल की सबसे खूबसूरत भावना है जो इन्होंने सबसे ऊपर जगह दे रखी है, कि आपके साथ प्यार करना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, आपके साथ ही शादी करनी है, समझ गए। पर मजबूरी तो यहाँ पर है, पर टॉप प्रायोरिटी में यहाँ पर कौन है, टॉप प्रायोरिटी में है आपका और इनका रिश्ता, लव वाला रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता। ओके, तो यही जो चीज़ें हैं ये लेकर जो है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए भी मुझे नजर आए हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें मिला है। ओके, और यहाँ पर देखिए आज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ठीक है, अगर सिर्फ हर्मिट का कार्ड आता, अगर सिर्फ हर्मिट का कार्ड आता और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आता, तो मैं आपको बता देती कि हर्मिट के मोड में है, शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा। पर साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है हर्मिट के बिल्कुल बगल में, यानी कि ये चीज़ दिखा रही है कि आज इस रीडिंग में ही, इस रीडिंग के होते होते ही आपके पोषण आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्यार ऑफर करते हुए ही नजर आए हैं, और हो सकता है कि आज के ही दिन आप में से कई लोगों का कर्मा यहाँ पर चेंज होगा, साइकिल आप दोनों का चेंज होगा, और आपके पोषण जो है घूमते फिरते आपकी दुनिया में फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं, समझ रहे हो गाइस। तो अभी तक ये आपको जो दिखा रहे हैं गाइस, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, बस मजबूरी है जो मुझे नजर आई है। मजबूरी की वजह से ही इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई है, पर दूरी बनाने के बाद ये इंसान खुद जो है ना, एकदम अकेले हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, दर्द का शिकार हो गए हैं, आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं, है ना, बस इंतजार में है ना, कि कब ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, कब जो है मेरी किस्मत बदलेगी। तो कहीं ना कहीं आपके पोर्शन जो है यहाँ पर वक्त का इंतजार करते हुए भी मुझे नजर आए हैं। तो ये इंसान जो भी है,
धोखेबाज मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा गाइस। ओके, मजबूरी के मारे कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे इस इंसान की फीलिंग्स में मुझे यही नजर आया है, जहां आपके लिए ढेर सारा प्यार तो है पर अपने दिमाग की ज्यादा सुन रहे हैं, अपने दिल की भावना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, जो इस इंसान के जज्बात को दिखाता है कि किस तरीके से ये इंसान आपको कुछ और दिखा रहे हैं, जबकि भावनाओं में इनकी कुछ और ही चल रही है। ओके, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है गाइज। यहाँ पर बस ये सोच लीजिए, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही शादी करेंगे, तब जाकर इस इंसान को खुशियाँ नसीब होगी। इन्हें लगता है कि आप ही वो जो इन्हें सब तमाम वो खुशियाँ दे सकते हो, है ना, पर कहीं ना कहीं इन्होंने हार मान ली थी। हार मानने की वजह से ही ये आपसे दूर हुए हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी धोखाधड़ी का एंगल नजर नहीं आ रहा है गाइस। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो धोखा देकर गए हैं। ये एक समय का, वक्त का सताया हुआ इंसान ही मुझे नजर आ रहा है, जिसने किसी न किसी बाध्यता, किसी न किसी मजबूरी के वजह से आकर ही आपसे रिश्ता तोड़ा है या फिर रिश्ता स्टॉप किया है। ठीक है, तो चलिए अब मैसेजेस में देख लेते हैं कि वो क्या बताते हैं आपको। एक और चलिए गाइस, कुछ मैसेजेस निकाले हैं मैंने, देखते हैं इनमें क्या है। अब वो बॉन्ड इज स्ट्रांग, ये कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये आपके तरफ आकर्षित बिल्कुल भी नहीं है ये इंसान, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और इन्हें पता है कि आपका और इनका रिश्ता जो है ना वो अटूट है। बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है कि रिश्ता बहुत मजबूत है आप दोनों का, बहुत स्ट्रांग है। इन्हें पता है ये बात, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन है। यहाँ पर कोई शारीरिक आकर्षण या फिर ऐसा कुछ एंगल नहीं नजर आया है मुझे। ठीक है गाइस, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा भरोसे की कमी इस इंसान को, कि हो पाएगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा, तो इस तरीके का जो शक होता है ना, बस वही नजर आया है मुझे गाइस। पर प्यार भरपूर नजर आया है इस इंसान के जहन में। ड्रीमिंग ऑफ यू ऑलवेज, तो मैं बोल ही रही, बोलते बोलते मैसेज भी आ गया कि ये इंसान आपको दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सपने देख रहे हैं। और इनका सपना क्या है जानते हो आप? इनका सपना है आपके साथ जिंदगी बिताने का, आपके साथ लव मैरिज करने का सपना ये इंसान देख रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि तुम्हारा हर वक्त हर पल जो है मैं तुम्हारे सपने देख रहा हूँ। यहाँ पर एक जो मैसेज आया है, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गलती जो भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो ये कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, गलती सिर्फ इनकी नहीं थी, क्योंकि मैं बार बार मैं बोले जा रही हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई मजबूरी रही है, समझ गए? तो उसी बात को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है इनका ये मैसेज कि गलती सिर्फ इनकी नहीं थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इन्हें समझने में धोखा खा गए। मेरी ज़िंदगी हो तुम, तो ये कह रहे कि आप इनकी ज़िंदगी हो, आप इनकी लाइफ हो, है ना, आपको अपना ज़िंदगी मान चुके हैं, पर अफसोस की बात अपनी ज़िंदगी से आज ये दूर हो गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, है ना। तो ये आपको यही बता रहे कि आप इनकी ज़िंदगी हो, तो क्या ये मिस नहीं कर रहे गाइज आपको? 100% ये इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, देखिए कितना सिर्फ प्यार का है कुछ यहाँ पर, है ना, सिर्फ प्यार की ही बातें कह रहे कि जिंदगी हो तुम्हारे सपने आते हैं मुझे, है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार भेज रहे हैं मैसेजेस में गाइस, देख लीजिए। अब लास्ट मैसेज निकालते हैं क्या है। इंतजार कर सको तो करो, तो बिल्कुल हर्मिट का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का मैसेज इन्होंने भेजा है, क्योंकि एक तो कछुए की चाल है ना, ऊपर से आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो दिखा रहा है कि जब ये घूमेगा आपके पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस कम बैक कर लेंगे, है ना। तो इसी वजह से शायद इन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है हर्मिट, साथ में चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, पर मुझे नहीं लगता कि ये इंतज़ार लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में मिला है नाइट ऑफ कप्स विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यानी कि इस रीडिंग के बाद ही आप में से कई लोगों के पोषण का, हर्मिट का मोड खत्म होगा और आपके पोषण जो है पहले की ही एनर्जी में आकर आपकी जिंदगी में कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आए हैं। तो गाइज यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव थी हालांकि, बट इस इंसान का फीलिंग्स इमोशंस मुझे नजर आया, जहाँ पर सिर्फ यही नजर आता है कि ये प्यार करते हैं तो सिर्फ आपसे करते हैं, अगर दूर भी हुए हैं
तो किसी कारणवश हुए हैं, इनकी चाहत नहीं थी आपसे दूर होना, और कभी-कभी मजबूरी में इंसान ये सब कर जाते हैं गाइस, है ना। तो अपने ही प्यार का कहीं ना कहीं गला घोटा है इन्होंने, है ना। पर खुद खुद भी दुखी है, खुद भी दुखी है आपके बिना, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को। ओके, यही नज़र आया है। तो गाइज यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।